चुनाव 2024 के प्रथम चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। यूपी की संबल लोकसभा सीट पर चुनाव काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। आइए जानते हैं जानकारों का चुनाव को लेकर क्या मानना है। उत्तर प्रदेश की संबल लोकसभा सीट हमेशा से हॉट सीट मानी जाती रही है। मुस्लिम बाहुल्य सीट पर इस बार चुनाव बेहद ही रोमांचक होने की उम्मीद है। इस बार भाजपा से परमेश्वर लाल सैनी, समाजवादी पार्टी से दिवंगत सांसद डॉक्टर वर्क के विधायक पोते जिया उर रहमान वर्क उम्मीदवार हैं, जबकि बहुजन समाज पार्टी से पूर्व विधायक शौलत अली पर दाव खेला है। इन तीनों ही प्रत्याशियों में खास बात यह है कि जो भी जीतेगा वह पहली बार संसद पहुंचेगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली थी हार। 2010-2016 में बसपा से एमएलसी रह चुके हैं। वर्ष 2019 में संबल लोकसभा से भाजपा ने प्रत्याशी बनाया और दूसरे नंबर पर रहे। इसके बाद 2022 में बिलारी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े और कम अंतर से चुनाव हार गए थे। वहीं सपा ने मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट से सपा विधायक जिया उर रहमान वर्क को टिकट दिया है, जबकि बसपा से शौलत अली वर्ष 1996 में मुरादाबाद पश्चिम से विधायक रह चुके हैं। 2024 के चुनाव में बसपा ने उन्हें संभल सीट दी है। वर्ष 2017 से सियासी सफर की शुरुआत सपा प्रत्याशी जिया उर रहमान वर्क ने अपने सियासी सफर की शुरुआत वर्ष 2017 से की। वह संभल विधानसभा क्षेत्र से AIMIA के टिकट पर चुनाव लड़े। लग रहा है सर 2019 में संभल से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जीते हैं, 2024 में क्या माहौल है, कौन जीतने वाला है संभल से? नहीं, माहौल तो आपके सब बिरादरियों का वोट मिल रहा है, आपके भाजपा को इस बार भाजपा विकास के नाम पर और सब चीज़ों के नाम पर आपका जो विकास हुआ है, जो आपके संभल में थोड़ी बहुत आज तक कुछ भी नहीं हुआ, अब आगे उम्मीद करते हैं कि अगर हमारा कोई MP बनता है तो कुछ हो। किन मुद्दों पर जाएगा वोट? उन मुद्दों पर क्या, एक तो साहब यहाँ के विकास होना चाहिए ना, कोई यहाँ पढ़ाई का, शिक्षा का, बेरोजगारी के ऊपर अभी तक कुछ नहीं हुआ पिछले 50 सालों से। संभल पिछड़े का पिछड़े ही रहा। अगर कहीं सरकार डबल इंजन की होती है, कुछ होता है, तो रेलवे लाइन के लिए भी मैं समझता हूँ कि अच्छा हो जाएगा संदेश के, रेलवे लाइन भी मिल सकती है। संभल अति पिछड़ा क्षेत्र है और पिछले 50 सालों से पिछड़ा क्षेत्र है। हम चाहते हैं हर एक पब्लिक से, हर बिरादरी से कि वो वोट भाजपा के लिए करे, जिससे कि संभल का उद्धार हो। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।